गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुछ भावुक और महत्वपूर्ण हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। 565 नंबर का वाक्य है, वह अब तक यह निर्णय नहीं ले पाती है कि उसे कितना जैन को बताना चाहिए और कितना नहीं बताना चाहिए। वह अब तक इस बात का निर्णय नहीं ले पाती है कि उसे कितना जैन को बताना चाहिए। दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ हर एंड डिसीजन और निर्णय अनिश्चय दुविधा एंड डिसीजन दुविधा अनिश्चय एट टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट किस सीमा तक सी शुड कम्युनिकेट विथ जे किस सीमा तक जैन से बात करनी चाहिए। फिर समझिए, वह अब तक यह निर्णय नहीं ले पाती है कि उसे कितना जैन को बताना चाहिए। दिस से डज ऑन अकाउंट ऑफ हर इनडिसीजन या अपनी दुविधा अनिश्चय की वजह से ऐसा करती है एज टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट सी शुड कम्युनिकेट विथ जैन कि किस सीमा तक उसे जैन के साथ बात करनी चाहिए। अगला है, वह आगे कहती है वह जल्दी ही उस पर काबू पा लेगा, वह उसे आशा है कि जेन इनकार के लिए एलिजाबेथ को दोषी नहीं मानती, परंतु उसे आशा है कि जेन इनकार के लिए एलिजाबेथ को दोषी नहीं मानती। टुकड़े कर दीजिए वाक्य को, वह आगे कहती है She adds, आगे कहती है adds, she adds, वो आगे कहती है that she will get over it soon, वो जल्द ही इस पर विजय प्राप्त कर लेगी। She will get over it soon, वो इस पर जल्दी ही विजय प्राप्त कर लेगी। परंतु उसे आशा है कि जेन इनकार के लिए एलिजाबेथ को दोषी नहीं मानती। बट सी होप्स, लेकिन उसे आशा है दैट जेन डज नॉट ब्लेम हर रिफ्यूजिंग हिम। बट सी होप्स, उसे आशा है दैट जेन डज नॉट ब्लेम हर, जेन उसे दोषारोपण नहीं करती है रिफ्यूजिंग हिम उसे इनकार करने के, उसकी असलियत शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। 567 नंबर पर उसकी असलियत शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। He will be found out before long, उसकी असलियत शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। He will be found out before long, उनका विचार है कि जैन भग्न हृदय ही मरेगी और तब बेंगले को अपने किए पर पछतावा होगा। उनका विचार है कि जैन भग्न हृदय ही मरेगी और तब बेंगले को अपने किए पर पछतावा होगा। She feels that Jane will die a broken heart. She feels that Jane will die a broken heart. And then or top, Bengale will be sorry for what he has done. She feels that, वो महसूस करती है Jane will die a broken heart. Jane भग्न हृदय ही मरेगी एंड देन बेंगले विल बी सॉरी फॉर व्हाट ही हैज डन। 569, जब तक लीडिया किसी सार्वजनिक स्थान पर अपमान नहीं करा लेगी शांत नहीं होगी। जब तक लीडिया किसी सार्वजनिक स्थान पर अपना अपमान नहीं करा लेगी शांत नहीं होगी। लीडिया विल नेवर बी इजी, लीडिया कभी शांत नहीं होगी। लीडिया विल नेवर बी इजी टिल सी हैज एक्सपोज्ड हरसेल्फ, टिल सी हैज एक्सपोज्ड हरसेल्फ इन सम पब्लिक प्लेस आर अदर, इन सम पब्लिक प्लेस आर अदर। फिर समझिए, जब तक लीडिया किसी सार्वजनिक स्थल पर अपना अपमान नहीं करा लेगी शांत नहीं होगी, यानी शांत होने वाली नहीं है। यानी जब तक लीडिया किसी सार्वजनिक स्थान पर अपना अपमान नहीं करा लेगी शांत नहीं होगी।
लीडिया विल नेवर बी इजी, शांत नहीं होगी टिल सी हैज एक्सपोज्ड हरसेल्फ, जब तक वह अपना अपमान नहीं करा लेगी। टिल सी हैज एक्सपोज्ड हरसेल्फ इन सम पब्लिक प्लेस आर अदर, किसी न किसी सार्वजनिक स्थान पर, जब तक वह अपना अपमान नहीं करा। अगला है 570 पर, वह अप्रसन्न चकित तथा आतंकित दिखाई देता है। वह अप्रसन्न चकित तथा आतंकित दिखाई देता है। हेलोक्स, वह लगता है दिखाई देता है, डिस्प्लेज अप्रसन्न, सरप्राइज्ड चकित एंड अलार्म्ड आतंकित। वह अप्रसन्न चकित तथा आतंकित दिखाई देता है। He looks displeased, surprised and alarmed। 571, अगर यह उपन्यास एक नाटक समझा जाए, अगर यह उपन्यास एक नाटक समझा जाए, नाटक मान लिया जाए, if the novel is taken to be a drama, अगर यह उपन्यास एक नाटक समझा जाए, इफ द नॉवेल इज टेकन टू बी ए ड्रामा। 572, डार्सी को जैसा बताया गया वैसा है नहीं। 572, डार्सी को जैसा बताया गया वैसा है नहीं। डार्सी इज नॉट व्हाट ही हैज बीन रिप्रेजेंटेड, बताया गया, प्रस्तुत किया गया। डार्सी को जैसा बताया गया है वैसा है नहीं। डार्सी इज नॉट व्हाट ही हैज बीन रिप्रेजेंटेड, जैसा उसे प्रस्तुत किया गया है वैसा नहीं है। कैरोलिन के प्रयत्न को ध्वस्त करके वह वहां से चला जाता है। कैरोलिन के प्रयत्न को ध्वस्त करके वह वहां से चला जाता है। डार्सी गोज अवे आफ्टर डेमोलिशिंग मिस कैरोलिन। डार्सी गोज अवे, डार्सी चला जाता है आफ्टर डेमोलिशिंग मिस कैरोलिन, मिस कैरोलिन के प्रयत्न को ध्वस्त करके वह चला जाता है। कैरोलिन के प्रयत्न को ध्वस्त करके वह वहां से चला जाता है। डार्सी गोज अवे आफ्टर डेमोलिशिंग मिस कैरोलिन। 574, यह कुमारी कैरोलिन की एक लंबे अरसे से अपने लिए डार्सी को फांसने की सजोई इच्छा को ध्वस्त कर देता है। यह कुमारी कैरोलिन की एक लंबे अरसे से अपने लिए डार्सी को फांसने की सजोई इच्छा को